मक्खिया माता, सभी खुश होंगे, भगवती की कृपा में होंगे, ऐसे ही हमारे शुभाशीष होंगे। बार बार हमसे जो है प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी हमें घर पे माँ भगवती शमशान कालिका के या भगवती दक्षिण कालिका के हमें आसन को स्थापित करना है, जिसमें हम भगवती की जो है प्रतिमा को हम स्थापित कर सकें या उसके ऊपर जो है चित्र को अंकित कर सकें, जिसके द्वारा हम पूजा कर सकें महारानी की। किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये चीज़ें, क्या करें इसके लिए, तो बताते हैं कि क्या करना है आपको इसके लिए। मूल रूप में भगवती का आसन सिर्फ एक ही चीज़ से बन सकता है, या तो वो शमशान की लकड़ी से बना हुआ आसन हो, जो आम्र लकड़ी हो शमशान की, या फिर हो शवारूढ़ आसन। तो शव तो घर के अंदर आप ला नहीं सकते ना, तो किस प्रकार से आप जो है भगवती का आसन स्थापित करते हैं, तो जानिए। शमशान के अंदर जलती चिता के बीच में से एक लकड़ी निकाल लानी है आपको, जो सुलगती हो, जो बच गई हो चिताओं से निकली हुई लकड़ी, उसको ला करके अमावस्या के दिन रात्रि के समय ला करके उसको लाना है, गंगा जी में उसको स्नान करवा करके शुद्ध करवा करके घर के अंदर लाना है, काले कपड़े के बीच में बांध करके। काला कफन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो काले कपड़े के बीच में बांध के ला सकते हैं। बांध कर लाने के उपरांत जो है उसको घर के अंदर जो है स्थापित करना है। स्थापित करने से पूर्व उसके उसको जो है एक जो है कटवा करके अन्य लकड़ियों के साथ मिलवा करके एक चौकी का रूप जो है उसको बनवाना है। रूप बनवाने के उपरांत जो है उसके ऊपर जो है एक यंत्र जो है मूल रूप में जो है खुदवाना है। अगर नहीं खुदवा सकते तो चांदी के ऊपर एक पत्रे के ऊपर यंत्र को भगवती के खुदवाना है, उस यंत्र को जो है उसके ऊपर जुड़वा लेना है, या तो कील से ठुकवा करके, क्योंकि कील का तो खैर प्रयोग होता नहीं इसमें, चांदी की कीलों को मतलब ठुकवा करके लोहे की कील का प्रयोग ना करें भगवती के आसन में बनवाने में। ये चीज़ विशेष याद रखिएगा, लकड़ी के जो कीले होते हैं उसका प्रयोग करें या चांदी की कीलों का प्रयोग करवाइएगा, लोहे की कील वर्जित है। तो करवाने के उपरांत जो है यंत्र को स्थापित करवाना है उसके ऊपर। स्थापित कैसे करवाना है, उसके ऊपर खुदवा करके उसके ऊपर पत्रा सा उसके ऊपर जड़वा देना है। उसके बाद जो है यंत्र को जागृत करना है, अलग अलग जो हमने 16 हमने यंत्र पूजन विधान हमने वीडियो के एंड में हम जो है हमने इससे पहले हमने 16 भगवती के जो है यंत्र पूजन की विधि बताई थी, तो 16 कला कामिनियों की, तो उसी तरीके से पूजा करनी है, उनका ध्यान करके, अंगों पर ध्यान करके, हमने पॉइंट्स लगा करके भी हमने यूट्यूब पर बताया था। तो उसी प्रकार से यंत्र को जो है अंग के ऊपर पूजा करके उनकी षोडश कलात्मनी पूजा भगवती की उसी स्थान पर करनी है। उसके बाद उसके ऊपर शव का आवाहन करवाना है। अब शव का आवाहन कैसे होगा, ब्रह्माणी रुद्राणी काम रुकने कामेश्वर, शव का जो है आपको आसन किस प्रकार से आपके ऊपर होगा, उसके चौकी के ऊपर होगा, भोजपत्र के ऊपर ना शमशान की राख को मिला करके, ताज़ा मुर्दे की राख को मिक्स करवा करके ना जो है गंगा जल के बीच में और दाहिने हाथ के अंगूठे के रक्त के बीच में जो है मूल रूप में मानव हड्डी के द्वारा, या तो यहाँ की हड्डी हो मानव की, या उंगलियों की हो, पसलियों की हो, मानव हड्डी के द्वारा भोजपत्र के ऊपर एक शव का स्वरूप विद्यमान करवाना है और मंत्र पढ़ना है शवारूढ़ महाभीम गोर्धेश्वम। आगे का नहीं बता सकते, समझने वालों को मंत्र पढ़ाना चाहिए, गुरु दीक्षा के द्वारा पता चलता है कि हमने थोड़ा बहुत इसको डिफाइन किया। तो शव का मंत्र आरूढ़ करने का, शवासन स्थिता देवी मुंडमाला अभिशोधितामृतिध्यात्मम, मतलब बोल करके, तो शवासन की देवी का जो है विराजमान ध्यान करना है। उसके बाद आसन को दक्षिण की ओर स्थापित करवाना है। स्थापित करवाने से पहले उसके बीच में कुछ चीज़ें और कुछ अष्टधातु की चीज़ें भूमि के बीच में जो है दबानी पड़ती है, कुछ सिद्धमालाओं को दबाना पड़ता है और कुछ अन्य सामग्रियों को मिला करके भूमि के बीच में पहले दबाना है, खुदवा करके दबाना पड़ता है, उसके ऊपर उस आसन को स्थापित किया जाता है। उस आसन के ऊपर देवी भगवती के चित्र को अंकित किया जाता है, या माला को या स्वरूप को धारण किया जाता है, या बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है मूल रूप में। उसके बाद स्थापित करने के विधान भी अलग है, जागृत करने के, प्राण प्रतिष्ठान के, प्राण प्रतिष्ठान उसके बाद आरंभ होता है। तो ये होता है आसन स्थापित करने का भगवती महारानी का। तो ये मतलब कुछ चीज़ें इसमें से हमने कुछ कटआउट की हैं, मतलब हमने पूरा नहीं बताया इसको, अभी हमने इसमें से 80% जो है हमने छोड़ दिया। बहुत कुछ होता है प्रोसेस, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चीज़ें जो लोग कर नहीं सकते, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं है तो बता नहीं सकते, तो उतना बताया जितना लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं जो हमने बताया, तो ये अधिक से अधिक कर सकते हैं। अगर पूर्ण रूप में सीखना हो उन चीज़ों को तो वो गुरु मार्गदर्शन के द्वारा ही पूरा जो है पॉसिबल है, उसके बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जो करे गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा के द्वारा, गुरु की आज्ञा के द्वारा, ये सब कुछ होता है, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं है। गुरु बिना कुछ नहीं होता, हो सकता है इस क्षेत्र में। तो दीक्षा जो है लेना अनिवार्य रहता है भगवती का, तो दीक्षा के बाद ही जो है घर के अंदर स्थापित की जाती है, तो करवा करके जो है किया जा सकता है और भगवती की कृपा को जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें व्हाट्सएप से
जुड़ करके हमसे जो है आप दीक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अभी जो है क्वारंटाइन जो है अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम अगले महीने जो है हम कोलकाता जाएंगे, तो उस समय कोशिश करते हैं कुछ अधिक से अधिक लोगों से मिलने का प्रयत्न हम करेंगे। तो लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं डायरेक्ट कॉल ना करें। जय श्री माता।